जय श्री राम। कैसे हैं? देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में जो है बताया था देसी आम जो है, और ये देसी केले का बगीचा है। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले हवा में बहुत सारे गिर चुका है, ये सारे केले का बगीचा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हवा में गिर चुका है, ये पेड़ बहुत घाटा हो गया। ये देखिए, छोटे छोटे, ये बिल्कुल जो है बिक्री लायक नहीं है, ये बहुत गिर गया है ये, और इसी तरह बहुत हानि हुआ है किसानों को। ये मेरे भाई का खुद का खेती है, और ये देखिए, ये अभी केले जो जस्ट निकला है, और उसके बाद एक दो महीने के बाद ये बिक्री होने वाला था, लेकिन अभी इसको काट के फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब है, ये बगीचा है जिसमें कि 1-2 लाख का लॉस हो गया। ठीक है मित्रों, और देखिए अभी भी तेज़ हवा चल रही है। ये मतलब इस महीने में किसानों के लिए, केले के खेतों के लिए बहुत खतरा है। यहाँ पर अगर हवा तेज़ हुआ तो इसी प्रकार लॉस होता है, और जिस साल हवा नहीं चलता है उस साल थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको मैंने दिखाया है, ये मेरे भाई का केले का खेत है, और देखिए ये पानी चल रहा है। अभी मैं घर पर आया हूँ तो भाइयों को थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं पानी डालने के लिए, और तो इसी प्रकार केले का खेत है, टूटा हुआ है अभी, नहीं तो आप देख सकते थे पहले। चलिए आपको एक दो जो है केले का जो है वो दिखा देते हैं, किस प्रकार फलता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार टूटा हुआ है, एक पेड़ के ऊपर दूसरे पौधे गिरा हुआ है। केले के खेत में ये देसी अमरूद है, अमरूद बिल्कुल देसी है ये। मैं एक तोड़ता हूँ अभी, एक मैंने एक अमरूद तोड़ लिया, इसको मैं खाऊंगा अभी। थोड़ा सा कच्चा है, बहुत स्वादिष्ट है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो केला है, ये इसी प्रकार फलता है। मतलब ये और एक महीने के बाद कटने वाला है, तो इसी प्रकार होता है। और केले जो है, एक जैसे कि ये पहले कट चुका है ये, और इसके बगल में ये इसका बच्चा था, ये अभी बड़ा होने वाला है, ये 6 महीने के बाद ये भी फलेगा। इसी प्रकार गैप में रखा जाता है, एक जगह ज़्यादा नहीं होता है, एक जब कटने वाला होता है तो एक छोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार बनता है। देखिए ये भी कट चुका है उसका, उसके साइड में जो है एक उसका बच्चा है, ये अभी अगले 6 महीने के बाद देगा, और आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन से बनता है इसी प्रकार। मतलब कम से कम 7 फुट का गैप होता है दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी, इसी प्रकार बनता है केले के खेत। केले में मुनाफा है, लेकिन अगर हवा में गिर गया तो किसानों को लॉस हो जाता है। तो इसमें ये बहुत अच्छा फसल भी है, और किसानों के लिए कभी कभी तो जो है बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ लेबर नहीं मिलता है, 450 में लेबर मिलता है, 500 में तो घास हो गया है, कुछ दिन लेबर नहीं मिल रहा है, इसलिए घास को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको मैंने दिखा दिया, ये 3-4 एकड़ जगह में होगा केले के खेती। इसी प्रकार आप लोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हवा चलता है, इसलिए बहुत लॉस हो जाता है। मित्रों, आज मैंने आपको दिखाया केले का बगीचा है, बहुत मतलब है
ये हानि हो गया इस तरफ हवा में, तो आप लोग दुआ करें कि जितना बचा है वो भी भगवान सुरक्षित रखें ताकि किसानों को थोड़ा फ़ायदा मिल सके। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो फिर आपको ऐसी नए नए चीज़ दिखाते रहेंगे। आप लोगों को केले के खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके सीख सकते हैं, इस बगीचा पर किस तरह से पानी डालना होता है, खाद डालना होता है और कितना डिस्टेंस में लगाया जाता है ये। ठीक है, बाय।